वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका भी रिमोट बार बार खराब हो जाता है, या फिर रिमोट की बटन बीच बीच में काम करना बंद कर देती है, या फिर आपके रिमोट का सेल बार बार खत्म हो जाता है, या फिर कई बार घर के जो छोटे बच्चे होते हैं रिमोट को इधर उधर उठा के फेंक देते हैं जिससे रिमोट ठीक से काम नहीं करता, या फिर आप मार्केट में नया रिमोट लेने जाते हो तो आपको सेम मॉडल का रिमोट नहीं मिलता, तो किस तरीके से आप अपने घर पे ही एक यूनिवर्सल रिमोट बना सकते हो और उस रिमोट को आप अपने टीवी में भी यूज कर सकते हो, अपने एसी में भी यूज कर सकते हो, होम थिएटर के अंदर भी यूज कर सकते हो, और जो आजकल मार्केट में आरजीबी स्ट्रिप लाइट आ रही है रिमोट वाली उसके अंदर भी यूज कर सकते हो, कई जगह पे उस रिमोट का यूज आप कर सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और पूरा देखना, सब कुछ मैं आज की वीडियो के अंदर फुल डिटेल से बताऊंगा। तो यहां पे देखिए फ्रेंड, ये जो हमारे पास खराब रिमोट है, तो हमें क्या करना है, अपने खराब रिमोट में से ये जो इसका आगे वाला सेंसर है, इसको आईआर सेंसर बोलते हैं, इसको निकालना है। तो ये मेरा रिमोट खराब हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से इसको खोल लेंगे। आपके पास कोई भी किसी भी कंपनी का रिमोट हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ अपने खराब रिमोट के इस सेंसर को निकाल लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका ये जो सेंसर है इसको हम निकाल लेंगे। देखने में ये बिल्कुल एलईडी की तरह होता है लेकिन ये हमारा सेंसर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से आयरन की मदद से इस सेंसर को पहले निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैं सेंसर को निकाल रहा हूँ, तो ये देखिए मैंने इस सेंसर को निकाल लिया है, बाकी चीजों को हम रखेंगे साइड में। तो यहाँ तो एक तो आपको इस टाइप का सेंसर लेना है, ये आप मार्केट से भी ले सकते हो, और अगर आपके पास कोई पुराना खराब रिमोट है वहां से भी निकाल सकते हो। उसके बाद देखिए आपको इस टाइप की कोई भी पुरानी ऑक्स केबल वाली पिन ले लेनी है। अगर आपके पास ऑक्स केबल वाली पिन नहीं है तो आप इस टाइप की कोई भी ईयरफोन वाली भी पिन ले सकते हो, कोई भी खराब ईयरफोन हो उसकी पिन को आपको यूज करना है। बस फर्क ये है कि ऑक्स केबल वाली पिन के अंदर क्या होता है कि टोटल हमारी 3 पिन होती है, और जो हमारी ईयरफोन वाली पिन होती है इसके अंदर आपको 4 पिन मिलेंगी। यहाँ पे देखिए 4 पिन है और इसके अंदर हमारी 3 पिन है। तो अगर आप ईयरफोन वाली यूज करोगे तो इसके अंदर हमें कुछ काम करना पड़ेगा, ये मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, ये जो ईयरफोन के अंदर हमारी 4 पिन है ना, तो इसके अंदर ये जो हमारी 4th नंबर की पिन है और ये जो 3rd नंबर की पिन है, इसको हमें एक वायर से शॉर्ट कर देना है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा अभी। और ये जो हमारी 1st नंबर की पिन है और 2nd नंबर की पिन है, इसके साथ में हमारे एलईडी के कनेक्शन होंगे। तो किस तरीके से कनेक्शन होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके ऊपर का जो रबड़ है इसको पूरा हमें निकाल लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट इस पिन की रबड़ को निकाल लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने पिन के ऊपर का जो प्लास्टिक है उसको काट लिया है, और प्लास्टिक को काटने के बाद देखिए यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाना भी चाहूंगा। तो ये देखिए इस तरीके से जूम करने पे यहाँ पे 3 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं और 1 पॉइंट हमारा इस साइड में है। तो यहाँ पे टोटल हमारे 4 पॉइंट हैं और 4 पॉइंट हमारे आगे की तरफ हैं। तो इसके अंदर आपको पता कैसे चलेगा भाई इसका पॉइंट कौन सा है, तो यहाँ पे आप मल्टीमीटर से भी पता कर सकते हो। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा मल्टीमीटर से, ये मेरा मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को हम बजर मोड पर रखेंगे। ये मैंने बजर बोर्ड पे सेट कर दिया है मल्टीमीटर को। अब देखिए इसके अंदर आप पता लगा सकते हो कि किस पिन का पॉइंट हमारा किसके साथ में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे रखेंगे इस वाली पिन पे, लास्ट वाली पे रख रहा हूँ मैं, और उसके बाद देखिए इसको मैं यहाँ पे टच करूंगा। तो ये जो लास्ट वाली पिन है ये हमारे आगे वाली पिन के साथ में जुड़ी है, और उसके बाद ये जो 2nd नंबर की पिन है इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इसके साथ में जुड़ी हुई है, ठीक है। और उसके बाद ये वाली जो पिन है ये हमारी जाएगी इसके साथ में 3 नंबर पिन पे, और ये तो इसके साथ में जुड़ा हुआ है, ये हमारी 4 नंबर पिन हो गई है। ये जो इसके पीछे आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको कन्फर्म कर लेना है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, ये जो पहली वाली आगे वाली पिन है ये हमारी प्लस की होती है, और ये जो दूसरी वाली पिन है ये हमारी माइनस की होगी। और यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारी 1st नंबर पिन है और ये जो हमारी 3rd नंबर पिन है इसको आपस में शॉर्ट कर लेना है। यानी ये देखिए यहाँ पे मैंने 4 नंबर पिन से एक वायर ली और इसको 3 नंबर पिन पे इस तरीके से जोड़ दिया। तो यहाँ पे 3 और 4 नंबर हमारी पिन शॉर्ट हो चुकी है। अब हमारे पास टोटल 2 पिन बची हुई हैं, एक ये है और एक ये है। तो ये वाली जो पिन है ये हमारे 1st नंबर की है, और ये वाली जो पिन है ये हमारे 2nd नंबर की है। तो हमें क्या करना है, ये जो हमने एलईडी सेंसर निकाला है तो इसके अंदर इसकी जो प्लस वाली वायर है इसको हमें 1 नंबर पिन पे जोड़ना है, और जो माइनस वाली वायर है उसको हमें 2 नंबर पिन पे जोड़ना है। और अगर आपका ये सेंसर काम ना करे तो आपको इसको पलट के भी देख लेना है, लेकिन ज्यादातर में तो यही होता है कि ये पीछे वाला हमारा प्लस होता है, दूसरा वाला हमारा माइनस होता है। लेकिन किसी किसी के अंदर ये भी देखा जाता है कि हमारा ये जो 2nd नंबर पिन है ये प्लस की होती है और ये माइनस की होती है, तो ये आप करके देख लेना। अब इसके अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर प्लस माइनस कौन सा है, तो हम एलईडी को इस तरीके से देख रहे हैं, तो इसके अंदर देखिए आपको इस साइड में तो छोटी पत्ती दिखाई दे रही है और इस साइड में आपको बड़ी पत्ती दिखाई दे रही है। तो ये जो बड़ी पत्ती वाली लेग होती है ये हमेशा हमारी माइनस की होती है,
और जो छोटी वाली पत्ती वाली लैग होती है ये हमारी प्लस की होती है। तो इस तरीके से आप किसी भी एलईडी के अंदर प्लस माइनस पता कर सकते हो। अब चलिए इसको हम इसके अंदर लगा देते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया उस हिसाब से लगाएंगे, तो ये हमारी प्लस वाली जो वायर है ये इसके साथ में लगेगी और माइनस वाली इसके साथ में लगेगी। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट यहाँ पे वायर को जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे एलईडी को जोड़ दिया है, और आप देख सकते हो जो बड़ी वाली पत्ती वाली लैग है उसको मैंने 2 नंबर पिन पे जोड़ा है, और जो छोटी पत्ती वाली लैग है उसको 1 नंबर पिन पे जोड़ा है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी पॉइंट किसी के साथ में टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये हमारा काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा एलईडी सेंसर है ये बन के तैयार हो चुका है। अब उसके बाद हमें चाहिए अपना एक कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन, आप ले सकते हो। ये देखिए मेरे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, बाकी तो इस फ़ोन के अंदर पहले से देखिए आईआर सेंसर वाला सिस्टम दे रखा है, लेकिन जिसके पास ये वाला सिस्टम नहीं है तो उनके लिए ये जुगाड़ है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम पहले मोबाइल का लॉक खोल लेते हैं। खोलने के बाद हमें सबसे पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, तो उसके लिए हम प्ले स्टोर में जाएंगे। ये मैंने प्ले स्टोर ओपन किया और यहाँ पे हम एक एप्लीकेशन को सर्च करेंगे, यूनिवर्सल कंट्रोल रिमोट। इसको मैंने पहले से सर्च कर रखा है। जब आप इसको इस नाम से लिखोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी ऐप दिखाई देंगी, तो आपको ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड, इस एप्लीकेशन को मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। जब आप इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। अब चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इस तरीके से देखिए हमें ओपन करना है, और ओपन करने के बाद देखिए फ्रेंड इस तरीके से लोडिंग लेगा, और इसके अंदर आप देख सकते हो काफ़ी सारे जितने भी डिवाइस हमारे रिमोट वाले होते हैं सभी का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है। आपको टीवी के चाहिए, डिश टीवी का चाहिए, कैमरे के चाहिए, सभी चीज़ों के यहाँ पे आपको रिमोट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली हम टीवी वाला सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए मैंने टीवी को सेलेक्ट करा, और फिर टीवी कंपनियों के नाम आ जाएंगे, काफ़ी सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। जिस भी कंपनी का आपका टीवी हो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं एलजी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने एलजी को सेलेक्ट करा। तो एलजी टीवी के अंदर भी कई मॉडल आते हैं, तो यहाँ पर आप इस हिसाब से पिक्चर आपके सामने आ जाएगी, तो इस हिसाब से आप देख लो जो भी आपके पास रिमोट पड़ा हो आपका टीवी का, उस हिसाब से यहाँ पे आप मैच करा के उस रिमोट को ले सकते हो। जैसे कि मेरे पास ये रिमोट है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसकी जो फाइल है यहाँ पे डाउनलोड होगी। तो थोड़ा सा नेट स्लो है तो धीरे धीरे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये रिमोट हमारे पास बन के आ चुका है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो आपको साइड में ये पीला पीला निशान दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल आईआर लिखा आ रहा है, इसको हमें ऑन कर लेना है। ये देखिए मैंने ऑन कर लिया है। उसके बाद हम बैक जाएंगे, ये मैंने बैक चला गया, और उसके बाद ये जो हमने सेंसर बनाया है इसको हम वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे हेडफोन लगाते हैं। इस तरीके से देखिए हमने इसको लगा दिया है, और देख सकते हो हमारा सिंबल भी आ गया है। तो यहाँ पे अभी आपको ऐसे देखने में लग रहा होगा कि हमें रिमोट के बस कुछ ही बटन दिखाई दे रहे हैं, तो आपको रिमोट को इस तरीके से ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके सामने ये पूरा रिमोट आ जाएगा, और इस रिमोट के आप सारे फंक्शन यूज कर सकते हो। तो इस ऐप के अंदर ना आपको कई जो डिवाइस होती हैं सभी के आपको रिमोट मिल जाएंगे, बस आपको अपने मॉडल के हिसाब से वहाँ पे चूज करना पड़ेगा, और इस तरीके से आप अपने रिमोट को काम में ले सकते हो। ये सारे बटन हमारे बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करेंगे। बाय चांस अगर आपका ये रिमोट काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले बता दिया, ये जो एलईडी है ना इसके अंदर किसी किसी मोबाइल के अंदर ये होता है कि ये जो 2 नंबर वाली पिन है ये हमारे प्लस की होती है और ये माइनस की होती है। तो हमें एलईडी की पोजिशन को चेंज कर देना अगर आपका रिमोट काम ना करे तो आपको करना है, अगर कर रहा है तो अच्छी बात है। तो इस तरीके से आपको देख लेना है, अगर ऐसे काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो एलईडी की प्लस माइनस वाली लैग को आपको चेंज कर देना है। तो इस तरीके से फ्रेंड आप मात्र 1-2 रुपए के अंदर इस टाइप का अपने घर पे यूनिवर्सल रिमोट बना सकते हो, और जो इस टाइप के हम रिमोट खरीद के लाते हैं बार बार इससे बच सकते हो। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो गई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।